हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एसजी पायरेन टैबलेट का रिव्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या यूजेस हैं और किन किन कामों में इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों हम इसी तरीके की मेडिकल से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। और दोस्तों, बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये दवाई जो है कौन सी कंपनी बनाती है और इसके साल्ट क्या क्या हैं, इसके MRP कितनी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये दवाई जो है एबॉट कंपनी बनाती है। एबॉट कंपनी काफ़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो काफ़ी अच्छी और जेन्युइन दवाई बनाती है। और दोस्तों, बात करते हैं इसके साल्ट की, तो इसके अंदर पैरासीटामोल एंड डिक्लोफेनिक सोडियम दो साल्ट इसके अंदर डाले गए हैं। और कितने mg हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पैरासीटामोल इसके अंदर होता है 325 mg और डिक्लोफेनिक जो होता है वो होता है 50 mg। ये दोनों साल्ट से मिलकर ये दवाई बनी है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके MRP के बारे में। तो दोस्तों, इसकी जो MRP है वो 87 रुपीज़ और 45 पैसे, 87 रुपये 45 पैसे इसकी MRP है। और दोस्तों, एक पत्ते के अंदर 15 गोलियां निकलती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरीके की येलो कलर की इसकी पैकिंग है और एक पत्ते के अंदर 15 गोलियां होती हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस दवाई के क्या क्या यूजेज हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किन किन कामों में इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये दवाई एक पेन किलर है जो कि बहुत सारे दर्दों में काम करती है। जैसे कि अगर आपको सर में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, गठिया बाई का दर्द हो, घुटने में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, या फिर आपको जो है बॉडी में कहीं भी पेन हो, हर जगह ये काम करती है। दोस्तों, काफ़ी अच्छी दवाई है। दर्द के लिए सूजन वगैरह हो उसमें भी काम करती है। दोस्तों, सिर्फ पेट दर्द छोड़ के, एक पेट दर्द में ही ये दवाई काम नहीं करती, बस बाकी शरीर में आपके कहीं भी दर्द हो, सर से लेकर पैर तक कहीं भी आपके अगर दर्द हो, उन सब दर्दों में ये दवाई काम करती है। और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है, काफ़ी इफ़ेक्टिव दवाई है, तुरंत इससे आराम मिलता है खाने के बाद। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके डोज़ के बारे में, इसको लेना कैसे है। दोस्तों, जब भी आपको दर्द हो तब आप एक टैबलेट खाएंगे, और खाना खाने के बाद खाना है पानी के साथ, और दूसरी टैबलेट में आपको कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप करना है। अगर आपको ज़रूरत हो दोबारा दर्द के लिए खाने के लिए दवाई, तो आप दूसरी टैबलेट खाने में जो गैप होता है वो 4 से 5 घंटे का गैप करना पड़ता है। दोस्तों, क्योंकि ये दवाई पेन किलर है तो पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिर्फ इमरजेंसी के तौर पे इस दवाई का इस्तेमाल करें। जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो दर्द की, आपको कहीं भी दर्द हो, तो आप एक गोली खाओगे तो आपको जो है तुरंत आराम मिल जाएगा और जल्दी से दर्द नहीं होगा। तो दोस्तों, पेन किलर जो होती है ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। पेन किलर ज़्यादा खाने से किडनी पर, लीवर पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से दोस्तों कुछ ना कुछ हमारी बॉडी के अंदर जो है दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए पेन किलर जो है, जब आपको ज़्यादा दर्द की समस्या हो, ज़्यादा आपको दर्द महसूस हो, जब ही आपको पेन किलर खाना चाहिए, वैसे तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको इस दवाई की सारी इन्फॉर्मेशन और सारी जानकारी बता दी है कि इस दवाई के क्या क्या यूजेज हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, और डोज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। फिर भी दोस्तों, अगर आपको कुछ आपको पूछना हो, या आपकी कोई दिमाग में कोई आपके क्वेश्चन हो या आपकी क्वेरी हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में।